घरों में इस तरह के कंटेनर और ढक्कन निकलना आम बात है, और आज हम इसी का यूज़ करके बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आले, मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत है। तो जी, घर के कबाड़ से खूबसूरत जुगाड़ की श्रृंखला जारी है और आज हम करेंगे इन ढक्कनों का रीयूज। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, कि आपके पास भी है तो डोंट वरी, मैं हूँ ना ज्योति, आपकी दोस्त। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक खूबसूरत सा डेकोरेटिव आइटम, वो भी पॉकेट फ्रेंडली। तो जी, सबसे पहले करना क्या है, मैंने लिया है गत्ता, ये भी जूते का डब्बे का है और इसके नाप का मैंने सर्कल बना लिया है और कट कर लेते हैं। मैं सिर्फ दो ढक्कनों का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो तीन चार ढक्कनों को भी यूज़ कर सकते हैं। जिसको सावधानी के साथ मैंने कर लिया है कट, क्योंकि हाथ कटने का डर होता है। तो क्या करना है, ये हो चुके हैं कट और इन ढक्कनों को इस कार्डबोर्ड से चिपका लेना है। इसके बाद मैंने लिया है वॉल पुट्टी और थोड़ा सा लिया है फेविकॉल और थोड़ा सा पानी। इन तीनों का मिश्रण बनाएंगे एक गाढ़ा सा पेस्ट, ताकि हम इस ढक्कनों पर अप्लाई कर सकें। और अच्छी तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इस तैयार गाढ़े से पेस्ट को ढक्कन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है और रख देना है सूखने के लिए। तो जी, सूखने के बाद वो किस तरह से लगेगा, चलिए देखते हैं। तो जी, ये सूख चुका है पूरी तरह से और इसका ये जो अनफिनिश एरिया दिख रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स, हमें कोई स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब करना है, ये लिया है मैंने सेलो टेप का कार्डबोर्ड और इसको रखा बीच सेंटर में और एक सर्कल बना लेना है, ताकि बीच में हम इसमें ड्राइंग करें। तो जी, कुछ इस तरह से कर लिया मैंने। मैं बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली डीआईवाई करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मार्केट जैसा ना सही, लेकिन उससे मिलता जुलता चीज़ तो बना ही सकते हैं, वो भी कबाड़ से, है ना। तो भाई, सर्कल तैयार है और अब इसमें मैंने वर्ली आर्ट बीच में एक ड्रॉ कर दिया है, आप अपनी पसंद का ड्रॉ कर सकते हैं। और लिया मैंने ये कोन और इसमें सेम वैसा ही पेस्ट बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, वॉल पुट्टी वन पार्ट फेविकॉल और थोड़ा सा पानी। आप चाहे तो 3D लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है, जो घर पर है उसी को यूज़ करना है ना। और गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, जैसे मेहंदी के लिए तैयार करते हैं कोन, सेम टू सेम वैसे ही तैयार करना है। कोन बनाना इसलिए नहीं बताया कि सभी को आता है। बस अब आराम से अपनी जो ड्राइंग है उसके ऊपर इसको बना लेते हैं, बहुत ही ईजी है। मैं तो हूँ अनाड़ी और मैंने तो बहुत सिंपल सा ड्रॉ किया है, आप चाहें तो और भी खूबसूरत डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, सिंपल सा मैं इस तरह से बनाऊंगी और सारे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूंगी। दोस्तों, DIY करना मेरी ज़रूरत है और शौक़ भी। मेरी तरह और भी मेरे दोस्त होंगे जो इतने महंगे आइटम मार्केट के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो जी भाई, ये हो चुके हैं तैयार, अब इनको रख देते हैं अच्छी तरह सूखने के लिए। सूखने के बाद अब ये हो गए हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए डिज़ाइन पूरे दिख रहे हैं। अब कर लेना है इस सारे पैटर्न को पूरा का पूरा ब्लैक कलर में, मैंने एक्रेलिक कलर लिया है फ्रेंड्स। तो जी, ये हो गया पूरा कलर और इसी तरह दूसरे पीस को भी मैं कर लेती हूँ और रख देते हैं इनको सूखने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन सच बताऊं दोस्तों, जब चीज़ बनके तैयार होती है ना, वो भी वेस्ट मटेरियल से, तो दिल खुशी से नाच उठता है। तो भाई, आप ले या मैंने मेटेलिक कलर, मैं दो कलर यूज़ करूँगी, गोल्डन और ब्रॉन्ज कलर को, और लिया उंगली में थोड़ा सा लगाया और बस कुछ नहीं करना, हल्के हाथों से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है इस तरह से, तो पूरे डिज़ाइन उभर के सामने आ जाएंगे, है ना, बहुत इजी। तो फिर क्या सोच रहे हो दोस्तों, बना डालिए आप लोग भी। और वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाएं। और हाँ, मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे लगेगा दीपावली का बोनस मिल गया है, है ना। तरह दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ब्रॉन्ज टच देना है, तो फिर से वही प्रोसेस करना है। ब्रॉन्ज कलर को लिया उंगली के टिप में और इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से रब कर देना है। तो ये थोड़ा कॉपर और पीतल का मिक्सचर
जैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं इसे ऐसा लुक देना चाह रही हूँ जो होते थे ना पुराने जमाने में पीतल और तांबे का मिश्रण से बना हुआ कोई आर्ट पीस। बस छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो जी दोस्तों, देखिए ये लग रहा है इस तरह का। ये देखिए, दूसरा पीस भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, लग रहा है ना लाजवाब। इसको हैंग करने के लिए लिया मैंने सुतली। आप चाहे ग्लू गन से चिपकाए या फेविकॉल से या फेविक्विक से। मैंने दोस्तों पहले टेप से चिपकाया ताकि इधर उधर ना हो, इसके बाद में ग्लू गन से चिपकाया। ये बहुत इजी प्रोसेस है। और इसके बाद में ये सुतली को भी मैं कॉपर कलर में कर दूंगी। और मेरे पास में कुछ पुरानी मोतियाँ रखी थी, उनको भी मैंने ब्रॉन्ज कलर में कलर कर लिया। भाई लटकन भी तो लगाने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और चलिए देखते हैं फाइनल लुक। वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय पे आप लोगों को वीडियो मिले और आप लोग फटाफट जल्दी से मेरा वीडियो देखें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आने वाला वीडियो दीपावली धमाका है। तो मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड